हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है खीर। उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध चाहिए। हमने 1 लीटर दूध ले लिया है। अब उसमें मैंने ये चावल 15-20 मिनट पहले भिगो दिए थे, अब वो डाल दूँगी। ये आधी कटोरी चावल है, 1 लीटर दूध में आप आधी कटोरी चावल डाल दीजिए। आप इसको हिलाते रहिए साथ ही साथ, क्योंकि ये दूध है, जलने का भी डर हो सकता है, तो जलने के कारण इसका टेस्ट में भी फर्क आ सकता है। नीचे चिपकेगा, कोनों में चिपकेगा, तो आपको हिलाते रहना है। खीर को बनते बनते आधा घंटा पौन घंटा हो सकता है, तो आप बीच बीच में उसे हिलाते रहें। पंद्रह मिनट हो चुके हैं ऐसे पकते पकते, देख रहे हैं आप, 10 से 15 मिनट के आसपास हो रहे हैं। इसने अपना कलर भी धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया है, ये कम भी होती जा रही है। आप देख सकते हैं ये हमारी खीर पक रही है। ये जब से मैंने गैस पे चढ़ाई है तब से ये पूरी आंच पे है, फुल फ्लेम में है ये, और मैं इसको अभी तक कंटिन्यूस ही हिला रही हूँ कि कहीं ये लग ना जाए नीचे। ये देख रहे हैं आप, गाढ़ी होती जा रही है खीर हमारी। साइड से जो लग रहा है वो हम साथ साथ निकालते जाएंगे। आप हिलाते जाएं साथ साथ, और जो भी साथ में लग रहा है वो भी निकालते रहें। आपको ध्यान देना है कि आपका दूध लगे ना नीचे। आप देख सकते हैं जब हमने खीर बनाना शुरू किया था तब ये खीर हमारी यहाँ तक थी, अब यहाँ तक पहुँच गई है। कितनी ज़्यादा ये गल चुकी है। हमारे चावल भी देखिए ऊपर दिखने लग गए हैं, कितनी अच्छी लग रही है ये शक्ल में भी। अभी थोड़े चावल कच्चे हैं, वो भी धीरे धीरे पक जाएंगे। और बिगिनर्स को के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी चीज़ बनानी हो, किसी भी चीज़ आपको खाने की कोई भी चीज़ बनानी है, उसके लिए बस आपको सब्र रखना है, क्योंकि आप थोड़ा सब्र रखेंगे तो आपकी कोई भी डिश हो बहुत ही अच्छी बनेगी। अब आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी खीर हो गई है। अब मैं इस टाइम पे आधे कप चीनी ऐड कर दे रही हूँ। जो जैसा खाता है वो अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकता है। हम लोग के घर में ठीक ठीक खाते हैं, तो मैंने अपने घर के हिसाब से आधा कप चीनी डाल दी है। आप अपने घर पे देख सकते हैं कि कम खाते हो तो कम चीनी डाल दीजिए, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल दीजिए। अब आपको जब से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब आपने चीनी डाल दी है तो नीचे चिपकने का डर और होता है, तो आपको हिलाते रहना है कि ये चिपके ना। और धीरे धीरे आधा लीटर दूध हम धीरे धीरे जो हमें लगेगा हम साथ ही साथ मिलाते रहेंगे। जब हमें लगेगा कि कम हो रहा है तो आप आधा लीटर धीरे धीरे जब आपको लगे तो आप ऐड करते रहेंगे। दूध कम लग रहा है तो मैंने 1 कप दूध अभी और मिला दिया है इसमें, और मैं अब इसको हिला लूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पीला कलर हो गया हमारी खीर का। अब इसको हम और पकाएंगे। अगर मुझे दूध फिर कम लगेगा तो फिर मैं दूध और ऐड कर दूंगी।
आपको देखना है चावल अगर आपके पक गए हों अच्छे से, जैसे आपको खीर के लिए चाहिए, अगर वो डन है तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी खीर बन गई है। मैं इसमें 1 कप दूध और ऐड कर रही हूँ जिससे कि हमारी जो खीर है वो मलाईदार बने, है ना, भंडार जैसी खीर वैसी खीर बनेगी आपकी, बिल्कुल मलाईदार जिससे आप खा के मज़ा ही आ जाए आपको। आप देख सकते हैं हमारी खीर कितनी अच्छी मस्त गाढ़ी हो चुकी है, बस ये 5 मिनट में बन जाएगी और कितनी अच्छी गाढ़ी मलाईदार खीर बनी है। ना ये कहीं से लगी है ना ये देखिए कहीं नहीं चिपक रही हमारी खीर, मलाईदार देख सकते हैं हमारी जो खीर है बनकर रेडी होगी। ये देखिए कितनी गाढ़ी मलाईदार खीर बनी है हमारी। मैंने अपनी गैस बंद कर दी है, अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। उससे पहले आप ये देखिए कितनी अच्छी खीर लग रही है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है। इसमें मैं सबसे पहले अपना डेजिग्नेटेड कोकोनट डाल दे रही हूँ। किशमिश डाल देंगे, बादाम स्प्रिंकल कर देंगे, ये आप देख सकते हैं ये हमारी खीर का फाइनल लुक है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन माय वीडियो कि आप कौन सी नई रेसिपी देखना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए टू सी मोर अमेजिंग रेसिपीज़, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।